आज मेरे पास है दो डिवाइस, एक है माइक्रोमैक्स इनोट वन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एंड दूसरा है सैमसंग M21। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इन दोनों फोन्स के बीच इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाला हूं। तो देखेंगे कौन से फ़ोन में आपको बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट मैं दो तरीके से करूँगा। पहला तो है कि मोबाइल डेटा का यूज़ करके मैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट करूँगा, एंड सेकेंड है दोनों फ़ोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क का यूज़ करके स्पीड टेस्ट करके दिखाऊँगा कि इसमें आपको बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन से मैंने जियो की सिम डाल रखा हूँ, सेम ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग M21 में यहाँ पे देख सकते हैं वो LTE मोबाइल डेटा ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको सिम ऑपरेटर दिखाऊं, कनेक्शंस, मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं जियो 4G। तो जो हमारा सैमसंग M21 है इसमें भी मैंने जियो का सिम यूज़ कर रखा है जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिव है। और यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स में दिखाऊं, माइक्रोमैक्स इनोट वन में, तो इस पर भी आप लोग देख सकते हैं 4G लिखा रहा है। और यहाँ पे सेटिंग्स में आपको दिखाऊं नेटवर्क, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क जियो 4G। तो दोनों ही फ़ोन से मैंने जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं किस में आपको बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। बात करें थोड़ी बहुत फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो माइक्रोमैक्स एंड सैमसंग M21 में दोनों ही में प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है दोनों। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट के लिए मैंने दोनों ही फोन्स में सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा हुआ है, स्पीड टेस्ट बाई ओकला। इसको आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग अपने नेटवर्क की स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही फोन्स में सर्वर चूज कर लिया है, लेकिन हम इसको मैनुअली करेंगे, दोनों में सेम कर देते हैं। इस पर भी स्पेक्ट्रा कर देते हैं ताकि हमें स्पीड का सही अंदाज़ा लग पाए। न्यू दिल्ली गो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड देखने को मिल रही है दोनों डिवाइसेस में। बाकी देखते हैं एवरेज कितना निकल के आता है डाउनलोड स्पीड। तो सैमसंग M21 में आपको 1.56 की डाउनलोड स्पीड मिलती है, यहीं पे माइक्रोमैक्स इनोट वन में 1.15 MB की डाउनलोड स्पीड मिली है। एंड जो अपलोड स्पीड आई है वो भी आपको सैमसंग M21 में ज़्यादा देखने को मिली है, जो कि 1.87 की, एंड माइक्रोमैक्स इनोट वन में आपको जो स्पीड देखने को मिलती है अपलोड स्पीड वो है 1.46 की। तो यहाँ सैमसंग M21 फर्स्ट राउंड में विनर है इंटरनेट स्पीड टेस्ट में। तो एक बार और टेस्ट करके देखते हैं, डाउट ना रहे कोई, इसके बाद एक बार और करेंगे, लेकिन इस बार सर्वर ना ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने देंगे दोनों ही डिवाइसेस को। तो इस बार आइए माइक्रोमैक्स में स्पीड ज़्यादा आई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1.92 की आई है माइक्रोमैक्स इन नोट वन में, एंड 1.52 MBPS की आई है सैमसंग M21 में डाउनलोडिंग स्पीड। एंड अपलोडिंग की बात करें तो अपलोडिंग सैमसंग M21 में ज़्यादा देखने को मिली है, जो कि 2.25 MBPS की, एंड माइक्रोमैक्स में 1.93 की है। तो एक बार और टेस्ट करते हैं, लेकिन सर्वर इस बार ऑटोमेटिकली चूज़ करने देंगे दोनों डिवाइसेस को, सेलेक्ट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड अभी थोड़ी सी ज़्यादा आई है सैमसंग M21 में, एंड माइक्रोमैक्स में 1.15 की आई है, एंड सैमसंग M21 1.67 की आई है। एंड अपलोडिंग स्पीड फिर ज़्यादा आई है सैमसंग M21 में, जो कि है 1.96 की, एंड यहाँ पे माइक्रोमैक्स इनोट वन में 1.46 की अपलोडिंग स्पीड। तो ये तो होगी मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू स्पीड टेस्ट करा। अब एक कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देखते हैं प्ले स्टोर से किस में ज़्यादा पहले इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, अभी मोबाइल डेटा का यूज़ कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन्स में। और यहाँ पे हम मिनी मलेशिया करके एक ऐप है सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 MB का एप्लीकेशन है, दोनों में ही सेम टाइम पे इंस्टॉल करेंगे एंड देखेंगे पहले किस फ़ोन में इंस्टॉल्ड हो जाता है। सेम टाइम पे मैंने इंस्टॉल बटन प्रेस करा है दोनों डिवाइसेस में। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोमैक्स में डाउनलोडिंग होना चालू हो गया है, एंड सैमसंग M21 में थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग M21 में ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रहा है, एंड अभी भी माइक्रोमैक्स इनोट वन में 97% डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे सैमसंग M21 मोबाइल डेटा के कंपैरिजन में विनर निकल के आता है कि इसमें आपको बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है मोबाइल डेटा पे, जबकि यहाँ सैमसंग M21 में डाउनलोडिंग लेट स्टार्ट हुई थी फिर भी ये जीत गया, एंड माइक्रोमैक्स इनोट वन ये राउंड लूज कर चुका है। अब क्या करते हैं दोनों फ़ोन्स को हम सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं किस में आपको बेटर स्पीड देखने को मिल जाती है। तो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ,
तो देख सकते हैं सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है दोनों ही डिवाइसेस। तो सेम प्रोसीजर का हम यूज़ करेंगे, एक बार एप्लीकेशन से चेक करेंगे, फिर डाउनलोड करके कुछ देखेंगे कि इसमें आपको बेटर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड मिल जाती है। तो सेम एप्लीकेशन मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर मैंने सेलेक्ट ऑटोमेटिकली करा है इस बार, और दोनों ने ही सेम सर्वर चूज़ करा है। तो देखते हैं किसमें आपको बेटर स्पीड देखने को मिल जाती है। एंड देखेंगे सैमसंग M21 जो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड आई है नियरली 15 Mbps है दोनों, लेकिन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड दोनों ही सैमसंग M21 से काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार और टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट अगेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही राउंड में, मतलब जितने जो हमने एप्लीकेशन पर टेस्ट करा तो उसमें माइक्रोमैक्स इन नोट 1 विनर निकल के आता है वाईफाई के मामले में। तो वाईफाई के कनेक्टिविटी के हिसाब से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बेटर निकल के आता है कंपेयर टू सैमसंग M21। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड आई है वो 19.8 Mbps की आई है, यहीं पे सैमसंग M21 में जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 15.2 Mbps, एंड अपलोडिंग स्पीड जो निकल के आई है वो 21.5 Mbps, यहीं सैमसंग M21 निकल के 17.7 Mbps। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 विनर है। तो एक बार क्या करते हैं हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखते हैं किसमें एप्लीकेशन फास्ट डाउनलोड होता है। मिनी मिलिशिया को दोनों ही डिवाइसेस में डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल। एक बार और इंस्टॉल करेंगे, सेम टाइम पे प्रेस करूँगा। यहाँ देख सकते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, देखते हैं सैमसंग M21 कैचअप नहीं कर पाएगा। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में जो ऐप है डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया, उसके कुछ सेकंड बाद सैमसंग M21 में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो सैमसंग M21 हार गया अराउंड, मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है कम्पेयर टू सैमसंग M21। लेकिन मोबाइल डेटा की कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें हमारा M21 विनर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here